हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पटना पैस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या पटना पैस अब क्वालिफाई कर सकती है नहीं, और अब उनकी कितनी चांस है क्वालिफाई करने की। मैं आपको सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप अभी पीछे मेरे बैकग्राउंड पर फ़ोटो देख सकते हैं, प्रदीप नवाल का उनका घर का ये फ़ोटो है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कबड्डी के रिलेटेड में सारी खबरें सबसे पहले इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रो कबड्डी में कम से कम 25 या 26 मैचेस बाकी रह गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 25 से 26 मैचेस बाकी रह गई है। उसके बाद हमें प्लेऑफ देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हमें फाइनल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या पटना पैस अब क्वालिफाई कर सकती है या नहीं, क्या वो टॉप सिक्स में अब आ सकती है या नहीं पॉइंट्स टेबल पर। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पटना को अभी क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या अभी चांस है या नहीं पटना को क्वालिफाई करने का, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आखिर चांस है तो उनके पास कितना चांस है, और कितना मैचेस जीतना पड़ेगा, और कितना मैचेस टाई करना पड़ेगा, और कौन टीम को हारना पड़ेगा, कौन टीम को जीतना पड़ेगा पटना पर इसकी क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए अब ये सभी बातें देख लेते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए आपको किस टीम के ऊपर वीडियो चाहिए अगला, ये टीम क्वालिफाई करेगा या नहीं। इसके ऊपर अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए तो जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। जिस टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा अगला वीडियो मैं उसी टीम के ऊपर बनाऊंगा। तो जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए, और ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा लाइक आएगा मैं उतना जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड करूँगा। तो लाइक और कमेंट जल्दी से करते रहिए। और बात करें पटना पैस की क्वालिफाई करने की कितनी चांसेस है, तो चलिए पहले देख लेते हैं पटना पैस कितने रैंक पर है अभी पॉइंट्स टेबल पर। अगर बात करें पटना पैस कितने स्थान पर है, तो पटना है 9वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, पटना है 9वें स्थान पर, और उन्होंने टोटल 19 मैचेस खेल चुके हैं, और उनमें से 6 मुकाबले जीते हैं, 12 हारे हैं, और एक ही मुकाबला सिर्फ इनका टाइड है, और इनका टोटल पॉइंट है 40। और बात करें पॉइंट टेबल में जाने के लिए इनको कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, अगर कोई भी टीम एक मैच जीतती है तो उसको टोटल 5 पॉइंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टीम एक मैच जीतती है तो एक मैच का उनको टोटल 5 पॉइंट मिलता है। अगर वो टीम टाई करती है तो उसको 3 पॉइंट मिलता है, और अगर वो हारती है 7 अंक से कम से तो उसको मिलता है 1 पॉइंट। और बात करें और 0 पॉइंट, तो उसके बाद वो हार गई 7 पॉइंट से नीचे तो उसको मिलेगा 0 पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर वो 7 से ज़्यादा जैसे 8 या 9 पॉइंट से हारी तो उसको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और पटना का पॉइंट है 40, और जो टॉप 6 में है उसका पॉइंट है 53, और उसने 17 मुकाबले खेले हैं जो कि टॉप 6 पर है, और उसमें से 9 जीते हैं और 6 हारे हैं और 2 टाई रहा है, और उनका टोटल पॉइंट है 53 यूपी योद्धा का। पटना अपने सारे मुकाबले जीत गए तो उसकी टोटल पॉइंट होगी 55। जी हाँ दोस्तों, उसकी केवल 55 ही पॉइंट होगी, क्योंकि पटना का केवल 3 ही मुकाबला बाकी है। अगर वो तीनों मुकाबले जीतती है तो हर एक मैच में 5-5 पॉइंट मिलेगा, तो उनका टोटल पॉइंट हो जाएगा 55। और जो अभी टॉप 6 में है उसका पॉइंट है 53, और उसने अभी तक केवल 17 ही मुकाबले खेले हैं। अगर पटना ने अपना सारा भी मैच जीत लिया तो अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब पटना का कोई भी चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, क्योंकि योद्धा ने 17 ही मुकाबले खेले और पटना ने 19 मुकाबले खेल लिए, और यूपी को भी बहुत मुकाबले खेलने बाकी है, तो वो उसमें से 2 भी मैच जीत गई तो वो शायद क्वालिफाई कर सकती है। अब पटना का 1% चांस नहीं है क्वालिफाई करने का। जी हाँ दोस्तों, अब हमें फाइनल में पटना नहीं जा पाएगी, प्लेऑफ में इस बार पटना हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे बताइए आपको अगला वीडियो किस टीम के ऊपर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जरिए मुझे बताइए आपको किस टीम के ऊपर अगला वीडियो चाहिए, कि क्या ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। जिस टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा अगला वीडियो मैं उसी टीम के ऊपर बनाऊंगा। तो जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए।